विलियम मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल है और कब लिखी 1908। इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत ये बात बताई कि मनोविज्ञान गाइस पूर्ण रूप से व्यवहार का विज्ञान है। कौन सी पुस्तक में? इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो कि किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल, जो कब लिखी गई? 1908 में लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंस है गाइस, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, चेतना से, चेतना के विज्ञान के बारे में इन्होंने आलोचना की थी, जिस पुस्तक की, उसी पुस्तक के बारे में बता रहा हूं। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में बहुत एनालाइजिस कर रहे हैं, बहुत ही विश्लेषण किए, बहुत सोच की, उसके बाद में अंततोगत्वा एटलीस्ट आखिरकार उन्होंने स्वीकारा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ये तो आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके मैकडूगल की बात। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया गया, केवल व्यवहार का विज्ञान, इसीलिए नहीं बताया, कंक्लूजन नहीं बताया गया। और विलियम मैकडूगल ने 1905 में कहा कि मनोविज्ञान की विस्तृत व्याख्या और अच्छी परिभाषा मानव व्यवहार के आचरण विज्ञान के रूप में ली जा सकती है। 1908 में इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी और मनोविज्ञान में व्यवहार की विस्तृत व्याख्या की इन्होंने, और आउटलाइन साइकोलॉजी में आखिरकार इन्होंने इस शब्द की व्याख्या करके लिखा कि हाँ, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब बात करते हैं एक दो बिंदु और यहाँ पर देखो, अब इसके व्यवहार से संबंधित अगर हम बात करते हैं, अब जैसे आपको फिनिशिंग होने वाला है कि 1911 में एक मनोवैज्ञानिक है अमेरिका के, मतलब इन्होंने तो व्यवहार का विज्ञान बता दिया, लेकिन इनके अलावा कुछ लोगों ने और बताया। जैसे 1911 में एक मनोवैज्ञानिक है अमेरिका के, आपने नाम सुना होगा, पिल्सबेरी। तो अमेरिका के पिल्सबेरी ने 1911 में अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक नाम है फंडामेंटल साइकोलॉजी पुस्तक में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। अब पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बताया? तो लोगों को मोस्ट ऑफ एक ही याद रहता है कि वहां पर आता आपका वाटसन, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन में तीन दे देगा, जैसे मान लो आपको मैकडूगल दे दिया, वाटसन दे दिया, और ये दे दिया, और एक और दे दिया, और एक बिल्कुल नहीं दिया, पूछेगा किसने नहीं दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ यही पता है कि वाटसन ने ही व्यवहार का विज्ञान बताया, जबकि गलत है। वाटसन का तो बाद में नाम आया, वाटसन से पहले विलियम मैकडूगल है, तो आपको यह बात ध्यान रखना, विलियम मैकडूगल ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, और ध्यान रखना पिल्सबेरी ने भी, और कब? 1911 में। कौन सी पुस्तक में? फंडामेंटल साइकोलॉजी बुक में, जबकि विलियम मैकडूगल ने कौन सी पुस्तक में बताया? आउटलाइन साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में बताया, ध्यान रखना। इसकी बात करें हम गाइस अगले नंबर पे, अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं 1913 में, लास्ट बात है गाइस 1913 में, अब आपका वाटसन आता है। 1913 में वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, इन लोगों ने इनकी हेल्प की, और आखिरकार मनोविज्ञान को 1913 में व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और यह शब्द किसने बताया? वाटसन ने, और वाटसन ने अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, पढ़ी होगी हमने, प्रिंसिपल ऑफ और सबसे पहले मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान किसने कहा? तो 1890 में, ठीक है,
किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने कहा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के अंतर्गत कहा था, उनकी बुक का नाम था। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस इसके ऊपर कमिटमेंट किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना शब्द की बहुत बुराई की, बहुत व्याख्या की, बहुत कमिटमेंट किए। और लास्ट में व्यवहार की बात कर रहे हैं, 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान बताया। तो सबसे पहले किसने बताया व्हाट, ऐसे याद ध्यान रखना, सबसे पहले किसने बताया आपको पूछ लेता है, अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वॉटसन ने कहा 1913 में कहा, कौन सी पुस्तक, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि विलियम मैकडूगल ने उनसे ही पहले 1905 में मनोविज्ञान की अच्छी और बड़ी परिभाषा बता दी थी कि इसे मनुष्य के सकारात्मक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाए। और विलियम मैकडूगल ने ही 1908 में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, अपनी इंट्रोडक्शन सोशल साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान की विस्तृत व्याख्या की, आउटलाइन साइकोलॉजी में इसको स्वीकार कर लिया गया। 1911 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में फंडामेंटल साइकोलॉजी पुस्तक में भी इसको व्यवहार का विज्ञान बताया। और लास्ट में 1913 में वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान बताया, और कौन सी पुस्तक में, प्रिंसिपल ऑफ व्यवहार बिहेवियर में। सो गाइस अपने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है, चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, अभी तो डेफिनेशंस बाकी है। और यहां पर आपको मैं मनोवैज्ञानिकों के बारे में समझाऊंगा अच्छी तरह, लेकिन गाइस वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए इतना ही है। और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो और किसी प्रकार का वीडियो से संबंधित सजेशन देना हो, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं आपको अच्छा लगा बुरा लगा, या कहां पर इंप्रूवमेंट की सुधार की आवश्यकता है, या आपको किस प्रकार और लेसन अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताएं गाइस। आपको पूरी साइकोलॉजी और इंग्लिश यहां पर अवेलेबल की जाएगी। थैंक यू गाइस, और मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू गाइस, वेलकम।